झांसी के बबीना रूलर में जल निगम प्लांट की बाउंड्री वॉल के पीछे किंग गार्डन के पास कई लोगों की जमीनें हैं, जहां प्लाटिंग हो रही है। यहां पिछले 2 वर्षों से जल निगम की बाउंड्री से रिसने वाला गंदा एवं दूषित पानी लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरे का सबब बना हुआ है। तो वहीं यह गंदा पानी मवेशियों के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। यह पानी लोगों के घरों और खाली प्लाटों में भरने लगा, जिससे यहां निवास करने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। यहां निवास करने वाले लोगों तथा भूस्वामियों ने बताया कि वे कई बार जल निगम के आला अधिकारियों को इस समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन सुधार की दिशा में जल निगम ने अभी तक कोई भी उचित कदम नहीं उठाया। लोगों ने जल निगम के आला अधिकारियों का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित कराते हुए शीघ्र समस्या के निस्तारण की मांग की है। संवाददाता आरिफ मंसूरी के साथ रफीक रायन की रिपोर्ट। ये पूरा पानी भरा हुआ है, जल निगम जो है इसका कोई इंतजाम नहीं कर रहा है और अनऑथराइज पानी भरा हुआ है हमारे जमीन में। ये मकान भी बने हैं, 2-4 लोग रहते हैं, ये भी कभी भी गिर सकते हैं इस पानी की वजह से। इनकी नींव पूरी धसक चुकी है, सामने देखिए पानी भर रहा है। और ये इनको 2 साल से हम कई बार इनसे मिल चुके हैं। एक बार SDO साहब के पास भी गए थे, उसके बाद 2-3 बार जेई साहब से मिल चुके हैं। जेई साहब ने आश्वासन दिया था हम सब लीकेज बंद कराएंगे, आपके यहाँ पानी नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद भी इनका कोई रिजल्ट नहीं आया अभी तक। और लोग हम लोग बहुत परेशान हैं। तो आप लोग जल निगम के अधिकारियों से क्या मांग करना चाहते हैं? हम ये जो है पूरा पानी का इनका खुद का निजी इंतजाम होना चाहिए। ये किसी दूसरे की जमीनों में फालतू का पानी नहीं भरना चाहिए, जिससे हम लोगों को और हम और लोगों को भी, हम एक आदमी नहीं है, बहुत से लोगों को बहुत परेशानी चल रही है इस समस्या को लेकर। अभी तक आपने किन किन कब कब पत्राचार कर चुके हैं आप इस विभाग से? हम 2 साल पहले गए थे इनके बड़े साहब के पास अंदर जल निगम में ऑफिस में, तो उनने बोला था कि हम जो है इसको, हमने कहा साहब जी लीकेज जो है बंद कराइए, अब 2-3 जगह से लीकेज चल रहे हैं। तो वो बोले कि आप चिंता मत करो, हम इसको कहीं से दिखवा के और लीकेज बंद कराएंगे, और जहाँ से ओवरफ्लो हो जाता है इसको भी हम इंतजाम कराएंगे। लेकिन अभी 2 साल हो गए हैं, अभी तक कोई इनने एक दिन कोई भी इस पे एक्शन नहीं लिया है। जेई साहब से भी 2-3 बार मिल चुके हैं हम। जेई साहब ने भी कहा कि नहीं, अब आगे नहीं। हमने ये भी कहा था कि हम अदालत जाएंगे, अदालत से जो है हम कार्रवाई करेंगे, तो इनने कहा था नहीं, अब अदालत जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको इसका मतलब हम खुद कर देंगे, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन परेशानी कभी भी रुक नहीं रही है।